चलिए बढ़ेंगे आगे जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश की जनता को वो वचन दिए थे वो काफी हद तक पूरे कर दिए हैं ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह राठौर का जिनसे हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सिंह ने खास बातचीत की मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी, जी हमारे साथ हैं सर जिस तरीके से सरकार को 17 दिसंबर को जो है एक साल पूरा हो रहा है विजन डॉक्यूमेंट लेकर सरकार अब जनता के बीच जाने की तैयारी है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी भी आ रहे हैं सर क्या तैयारी हाँ देखिए एक साल हुआ है और एक साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वचन दिए थे उसमें काफी हम लोग पूरे भी कर चुके हैं सारे के सारे तो नहीं हो सके हैं लेकिन धीरे धीरे करके इन पाँच बरसों में वो वो भी पूरे करना है सत्रह तारीख को माननीय मनमोहन सिंह जी जो अर्थशास्त्र के मामले में दुनिया उनका लोहा मानती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच में वो आ रहे हैं और पूरा विस्तार से अब आज मैं आपको उस पर अभी नहीं जाना चाहता आ, लेकिन सत्रह तारीख को मिंटो हॉल में दोपहर के समय में वो कार्यक्रम रहेगा विजन डॉक्यूमेंट्स वाला और उसमें आपको सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी पांच साल का पूरा विकास का खाका देंगे क्योंकि अभी तो वचन दिया था अब विकास का पूरा प्लान होगा निश्चित रूप से निश्चित रूप से न केवल विकास का प्लान होगा मध्य प्रदेश को जो खोखला करके छोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के समय में पौने दो लाख करोड़ रुपए के कर्जे पर छोड़ा गया उसको भी हम कैसे ठीक करें वो सारी नीति और उसका कार्यक्रम वो पूरा आपको दिया जाएगा सर पहले क्योंकि आप वाणिज्य कर मंत्री भी हैं पहले ज़मीनों के रेट कम किए गए पहली बार जो है कई सालों बाद 20 प्रतिशत की कमी की गई अब जो लैंड यूज़ की नई नीति है वो भी लेकर आई है सरकार आज उसका प्रस्ताव कैबिनेट में आया था हरी झंडी दिए कितना फायदा होगा सर किसानों को क्योंकि 50 प्रतिशत जमीन मिल जाएगी दोबारा से जहाँ प्रोजेक्ट नहीं थे वहाँ पर जहाँ पर विकास की गति नहीं थी ऐसी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया था कितनी गति मिलेगी सर देखिए दस दस साल का कई जगह से हम देख रहे हैं जमीनों का अधिग्रहण हो गया लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ उपयोग नहीं हुआ तो वो किसान तो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है क्योंकि उसको वाजिब पैसा भी नहीं मिला और उसकी जमीन के आसपास में विकास भी नहीं हुआ तो अब नए सिरे से आज कैबिनेट में निर्णय हुए हैं और थोड़ी देर बाद आपके सामने आ भी जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और उससे जो गति हमारी विकास की रुकी थी वो भी बढ़ेगी और कुछ नए तरीके से सोचा जा रहा है उदाहरण के तौर पे अभी तक ये था जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट का हमने ऑफिस खोला अब ऑफिस खोला है तो छोटे छोटे कर्मचारियों के आवास भी विभाग ही बनाता था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि विभाग हम मान लीजिए पुलिस का एसपी का ऑफिस खोलते हैं अब हमारे जो सिपाहियों के आवास हैं हमारे और जो छोटे कर्मचारियों के आवास हैं लगी हुई जिसकी प्राइवेट जमीन है और अगर वो निवेश करना चाहता है वो भवन बना के देता है आवास बना के देता है तो सरकार इस दिशा में सोच रही है ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के कर मंत्री विजय राठौर जी जो साफ तौर पर बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है और सरकार खुद प्रयास कर रही है कि बेहतर व्यवस्था से किसानों को यूरिया जो है सप्लाई किया जाए और इस पूरे मामले को लेकर सीएम कमलनाथ भी लगातार गंभीर बने हुए हैं और प्रभारी मंत्री भी अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर खासतौर पर यूरिया की सप्लाई को लेकर खुद मॉनिटरिंग करने के लिए मैदान में उतर गए हैं कैमरा पर्सन विपिन के साथ आकाश सेन आईनडी ट्वेंटी फोर भोपाल